अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा Realme Buds Wireless 3 के साथ वो वाला, मुझे काफी पसंद आया। काफी टाइम के बाद एक ऐसा ईयरबड्स मुझे मिला जो कि अंडर 2000 कमाल का है, कंफर्ट दे रहा है और ये इसका जो साउंड क्वालिटी भाई कतई जहर वाली है। तो मैं आपको इसके अंदर पेयरिंग करके दिखाता हूँ अलग अलग डिवाइस के थ्रू, यानी कि डुअल मोबाइल के थ्रू करेंगे और डुअल यानी कि एक स्मार्टफोन लेंगे और एक लैपटॉप लेंगे साथ में। अगर लैपटॉप में अलग से लाउड स्पीकर देकर करने का काम तो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अगर घर पे हम यूज कर रहे हैं या कहीं किसी के साथ भी हो, लैपटॉप के साथ ये आराम से कनेक्ट हो जाता है। दोनों डिवाइस को आराम से पेयरिंग करके रखते हो, बार बार आपको ब्लूटूथ ऑन करना नहीं पड़ेगा। सिंपल आप अपने ये डिवाइस का वर्ड्स को स्लीप मोड से हटाना है और ऑफ करना है। जैसे स्लीप मोड में दोनों को यानी कि अटैच कर दोगे तो पेयरिंग खत्म हो जाएगा, यानी कि दोनों किसी भी अलग अलग डिवाइस के थ्रू बंद हो जाएगा। तो ये काफी बढ़िया, इस वीडियो में मैंने यही दिखाया हूँ कैसे आपने ये Realme Buds Wireless 3 को मैनेज कर सकते हो आपके पीसी या लैपटॉप देन या अपने मोबाइल के थ्रू। दो पीसी या दो लैपटॉप, दो मोबाइल एक लैपटॉप, किसी भी थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। एट ए टाइम ध्यान रखना दो ही डिवाइस से आप पेयरिंग करोगे। यहाँ पर देख सकते हो दोनों डिवाइस के अंदर एक में गूगल ऑटो कनेक्ट शो कर रहा है जो कि लावा अग्नि 2 के अंदर, और यहाँ पर Redmi Note 11 के अंदर यह ऑटोमेटिक अवेलेबल दिखा रहा है। यहाँ पर जब भी आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करो तो यहाँ पर अगर रेगुलर किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो रखा है तो वहां से पेयरिंग हटाने के लिए और ऑटो पेयरिंग कराने के लिए ये जो मिडिल वाला बटन है इसको आप प्रेस एंड होल्ड 4 सेकंड के लिए लगा के रखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर जाएगा। मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ। जैसे मैं ये बर्ड्स दोनों को ऑफ कर दिया तो ऑफ करने के बाद ये स्लीप मोड में चले जाते हैं। अभी अगर मैं इसको सर्च करूंगा तो आई थिंक वहां से शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों बर्ड्स को मैंने बाहर किया मतलब अलग किया, अलग करने के बाद मैं दोबारा फिर सर्च करूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर गूगल ऑटो पेयरिंग के लिए शो करेगा। देखो यहाँ पर पावर बटन या जो मिडिल बटन है इसको मैं प्रेस एंड होल्ड करके एक बार रखता हूँ 4 सेकंड के लिए। देखो यहाँ पर ऑटो कनेक्ट आ गया ऑप्शन इस डिवाइस के अंदर। अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। देखो ब्लूटूथ विल बी इनेबल और देन ये ऑटो कनेक्ट सर्च मान, मतलब गूगल का फास्ट पेयरिंग ऑप्शन है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर Realme Buds Wireless 3 इस पे भी आ गया और यह ऑटोमेटिक सर्च करता है, इस पे भी आएगा। सबसे पहले हम इसको हम ऑन करते हैं तो पेयरिंग के लिए मांगेगा तो यहाँ पर टिप करना अलाउ एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट एंड हिस्ट्री, कॉल हिस्ट्री को अलाउ करने के लिए। यहाँ पर आपके डिवाइस जो है शो कर जाएगा, आई थिंक सेव कर दो। और यहाँ पर आपका जो ब्लूटूथ के अंदर डिवाइस शो कर गया, तो मैं अगर देखूंगा तो मेरे यहाँ पर देखो कनेक्ट हो रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो Asus Realme Buds Wireless 3, और यहाँ पर सेटिंग्स पे टैप करूंगा तो जो जो एक्स्ट्रा फीचर्स होगा वहां पे देख सकते हो। HD ऑडियो, SEC फोन कॉल, मीडिया ऑडियो, कॉन्टैक्ट शेयरिंग, ये सारे इनेबल हो रखा है। सेम टू सेम आप जिस वक्त दूसरा डिवाइस भी यूज करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। मैं जस्ट इसको ये इनेबल है, यहाँ पे देख सकते हो मेरे सामने ये वाला पोर्शन को आप ध्यान रखना। ठीक है, देन मैं यहाँ पर Realme Buds Wireless 3 दूसरे डिवाइस के अंदर टैप कर लेता हूँ और ये देखते हैं यहाँ पर भी अलाउ के लिए मांग रहा है तो पेयरिंग ऑप्शन मांग रहा है, तो ये भी यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ओके, दोनों के अंदर देखो कनेक्ट हो रखा है, इसके अंदर भी कनेक्ट हो रखा है। ये थोड़ा सा अंदर भी जाके आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, कनेक्टेड डिवाइस, यहाँ देखो ये दोनों को दोनों यहाँ पर एक्टिव है। ठीक है ना, और मैं इसको भी लॉन्ग प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इसको भी हम इनेबल कर दिए, मतलब दोनों डिवाइस के अंदर पेयरिंग है। आप यहाँ पे ब्लूटूथ के लोगो को आप चेक कर सकते हो, दोनों के दोनों साइड में एक छोटे छोटे कीड़े टाइप के लगते हैं, वो हट जाते हैं। अभी फिर वही सेम चीज को आप ध्यान रखे रहना ब्लूटूथ के निशान को। मैं अगर इसको आप अलग करता हूँ तो यहाँ पर देखो दोनों के अंदर ये ऑटो पेयरिंग हो जाएगा। देखो आराम से आ गया, पेयरिंग हो गया। यहाँ पे देखो ब्लूटूथ के आइकन को चेक करो, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, मतलब ब्लूटूथ आइकन से आपको पता चल जा रहा होगा कि भाई इसके अंदर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, दोनों के अंदर डुअल पेयरिंग हो रहा है। मैं फिर दोबारा बर्ड्स को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से देखो हट गया। काफी बढ़िया है, आप किसी भी डिवाइस के थ्रू यूज कर सकते हो। दोनों में किसी को नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर प्रेस बटन प्रेस एंड होल्ड करोगे तो ऑटोमेटिक वहां से दोनों से ही मूव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक डिवाइस के अंदर कनेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो कनेक्टेड है लावा डिवाइस के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पर ये निशान से पता चल जाता होगा कि कनेक्टेड है। Realme Buds Wireless 3 आपके पास है तो आप अपने स्मार्टफोन पे या साथ में अपने लैपटॉप पे दोनों में कनेक्ट कर सकते हो अगर लैपटॉप पे ब्लूटूथ का ऑप्शन है। नहीं है तो बाहर से 30 या 40 रुपए का डोंगल आएगा, तो डोंगल मिलेगा, आप लाके यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये तो मेरा माउस का है, वायरलेस माउस का, बाकी आप ऐसे ही मिलेगा मार्केट में, आप चेक कर लेना। तो चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑनलाइन में भी परचेज कर सकते हो ब्लूटूथ सेटअप। और यहाँ पर Realme Buds Wireless 3 आराम से कनेक्ट हो जाएगा अपने मोबाइल में और अपने लैपटॉप पे।
मोबाइल के थ्रू आप कहीं भी ऑफिस जा रहे हो या कहीं वर्क प्लेस पे जा रहे हो जो भी, या कॉलेज जा रहे हो, तो वहां पर आराम से मोबाइल के थ्रू सुन सकते हो। जैसे घर पहुंचो तो आप अपने इस पे कनेक्ट कर लो लैपटॉप पे या पीसी में, वो आराम से आप यूज कर सकते हो किसी अदर को डिस्टर्ब नहीं करने का, है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अजीब टाइप से लगा, देखो यहाँ पर मैं हटाया तो देखो कनेक्ट हो गया, है ना, एक्टिव हो गया, एक्टिव 100% बैटरी। लैपटॉप के अंदर आप यहाँ पे कहीं भी सर्च करोगे ब्लूटूथ का फीचर शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करके ऑन किया, यहाँ पर ब्लूटूथ के अंदर कई सारे डिवाइस जो है पहले प्रीवियस में हमने यूज किए थे तो सारे यहाँ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं आपको अलग से भी दिखा दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। तो यहाँ पर सिंपल ऐड ब्लूटूथ और अदर डिवाइस पे क्लिक करना है। यहाँ पर ब्लूटूथ आएगा, ब्लूटूथ पे क्लिक करना है। देन ये सर्च करेगा यहाँ पर दोनों डिवाइस को पेयरिंग के लिए। तो एक तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, देखते हैं इसको कनेक्ट होते हुए भी वहां से होता है कि नहीं, नहीं तो अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है। अभी सर्च कर रहा है, अभी फिलहाल वही दिखा रहा है लावा डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ ऑन है, तो वो डिवाइस यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पर मैंने नॉइज ग्रांड दिखा रहा है जो कि मैंने वॉच पहन रखा हूँ, उसका भी शो कर गया ब्लूटूथ, बट ये वाला ब्लूटूथ वहां पर शो नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर ये चीज आता है तो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर सर्च कर रहा है, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद एक बार पेयरिंग कराना होता है, ठीक है ना, दोनों डिवाइस के अंदर। तो इस पोजीशन में यहां पर देखो नाम शो नहीं हो रहा है, तो इसको अलग करना है। और नया डिवाइस के लिए देखो ऑटोमेटिक लावा डिवाइस में कनेक्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर नया डिवाइस के लिए मिडिल वाले पोर्शन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो हमारे जो लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर देखो वहां पर आपको शो करेगा। यहां पर देखो क्लिक हो गया, क्लिक होने के बाद ऑटोमेटिक यहां पर कनेक्ट भी हो गया, है ना, डन कर दो, कनेक्टेड वॉइस है, डन कर दो, ठीक है। यहां पर आराम से इसको अलग करो और यहाँ पर ऑटोमेटिक जब जाएंगे तो यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। ये ऑटो पेयरिंग है, ऑटो कनेक्ट सेटअप है, आराम से यहाँ ऑटो कनेक्ट हो जाता है। जब मैंने बर्ड्स को क्लोज करूंगा, दोनों बर्ड्स को स्लीप मोड में दूंगा, तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो डिसकनेक्ट हो जाता है। अभी कनेक्टेड है, अभी ऑटोमेटिक यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाता है। और जब मैं बर्ड्स को अलग करूंगा तो भाई यहाँ पर वो ऑटो कनेक्ट हो जाता है, मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, दोनों डिवाइस के अंदर कनेक्टेड है। देखो यहाँ पर भी कनेक्टेड है, मैं अपने फोन के अंदर भी कनेक्टेड है यहाँ पर, और सेम टू सेम ये पोजीशन में भी कनेक्टेड है। पसंद आएगा ना, देखो इस वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं हम, अगर छोटा सा एक लाइक कर देंगे, आप चैनल में पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अगर आप हमारे रिटर्निंग सब्सक्राइबर नहीं है तो कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बस ये था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा अपने साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।